सबसे पहले आपको एडजस्ट वाला एक फैन लेना है, उसके अंदर के फैन को निकाल देना है, उसमें एक होल करके स्क्रू को डाल देना है, उसमें नट को कस देना है, और फिर उसके बाद आपको एक बैटरी होल्डर लेना है और इसकी वायरिंग फैन के साथ में कर देना है। फिर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, इस फैन को ग्लू की मदद से इसमें चिपका देना है, फिर एक स्विच को इसमें चिपका देना है और फिर इसकी वायरिंग को कंप्लीट कर देना है। फिर आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेना है, उसके ऊपर के पार्ट्स को काट देना है, उसके कैप को खोल देना है। फिर आपको एक बलून लेना है, उसको भी ऊपर के काट देना है और फिर उसको बॉटल के ऊपर वाले पार्ट्स पे लगाकर उसमें रबर बैंड लगा देना है और फिर बलून के बीच में एक होल करके बोल्ट्स को डाल देना है और फिर उसमें नट को कस देना है। और फिर आपको एक वायर लेना है, वायर को सेम इसी तरह से मोड़ देना है। मोड़ देने के बाद इस वायर को बोल्ट में डालकर इसके ऊपर एक और नट को कस देना है। फिर प्लास्टिक के कैप में बीच में एक होल कर देना है और बलून को काट कर इसके ऊपर सेम इसी तरह से चिपका देना है और फिर कैप को कस देना है, इसके ऊपर एक होल कर देना है। और फिर आपको एक पतला सा प्लास्टिक का पाइप लेना है, उसको इस होल में डालकर अच्छी तरह से चिपका देना है और फिर आपको लकड़ी के टुकड़े में ग्लू लगाकर इस प्रोडक्ट को इसमें चिपका देना है और फिर किसी भी चीज में पानी भरकर इस पाइप को पानी में डाल देना है, बैटरी होल्डर में बैटरी लगाकर स्विच को ऑन कर देना है। फिर ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर एयर पंप।